हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू रीच में आप सभी का स्वागत है। मैं मोमिता बासु आज आपको बताऊंगी बिना गाड़ी बुक किए आप ब्रह्मेश्वर मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं। भारत के उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मंदिर का नाम है ब्रह्मेश्वर मंदिर। माना जाता है कि ब्रह्मेश्वर मंदिर पहला मंदिर है जिसका निर्माण लोहे के बीम पर किया गया है। इसे पंचतन्य शैली में क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें एक मुख्य मंदिर और चार अन्य मंदिर हैं। यह मंदिर भुवनेश्वर के बेहतरीन मंदिरों में से एक है। पवित्र शिव तीर्थों में से ये एक तीर्थ माना जाता है। 9वीं शताब्दी को इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1058 ईस्वी में संपूर्ण हुआ था। इस मंदिर का कुल क्षेत्रफल 208.84 वर्ग किलोमीटर है और मध्य में 181.16 वर्ग किलोमीटर में मंदिर स्थित है। भुवनेश्वर शहर में प्रवेश करने के तीन मार्ग हैं। खुर्दा से आने वाले यात्री बारामुंडा में उतरकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। कटक से आने वाले यात्री रसूलगढ़ में उतरकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं और पुरी से आने वाली यात्री रवि टॉकीज में उतरकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ब्रह्मेश्वर मंदिर की दूरी 4.5 किलोमीटर की है। यात्री कटक जाने वाले रास्ते से मंदिर जल्दी पहुंच सकते हैं। रेलवे स्टेशन के 6 नंबर वाले प्लेटफॉर्म से निकलकर 200 मीटर पैदल चलने से कटकपुरी रोड आएगा। वहां से शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेने पर पहले कल्पना चौक, फिर रवि टॉकीज, उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मेश्वर मंदिर स्थित है। यात्री टाउन बस लेकर भी ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। कटक रोड से बस नंबर 24 पकड़कर ब्रह्मेश्वर मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। ब्रह्मेश्वर चौक से मंदिर पैदल चलने की दूरी पर है। बारामुंडा बस स्टैंड से ब्रह्मेश्वर मंदिर 9.7 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्री बारामुंडा से शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेकर पहले कल्पना पहुंचे, वहां से पुनः शेयरिंग ऑटो रिक्शा पकड़कर रवि टॉकीज पहुंचे, फिर शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। यात्री टाउन बस लेकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। बारामुंडा बस स्टैंड से बस नंबर 24 पकड़कर ब्रह्मेश्वर मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। रसूलगढ़ स्टैंड से ब्रह्मेश्वर मंदिर लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यात्री रसूलगढ़ से शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेकर पहले कल्पना पहुंचे, वहां से पुनः शेयरिंग ऑटो रिक्शा पकड़कर रवि टॉकीज पहुंचे, फिर शेयरिंग ऑटो रिक्शा लेकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। यात्री टाउन बस लेकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं।
रसूलगढ़ बस स्टैंड से बस नंबर 24 पकड़कर ब्रह्मेश्वर मंदिर आसानी से पहुंचा जा सकता है। पुरी से होकर आने वाले यात्री पहले रवि टॉकीज में उतरे, फिर वहां से शेयरिंग ऑटो लेकर ब्रह्मेश्वर मंदिर पहुंच सकते हैं। ब्रह्मेश्वर चौक से मंदिर पैदल चलने की दूरी पर है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।